आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। शहर के महेश्वरी भवन में भट्टर परिवार की ओर से 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक श्री श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, चित्रकूट धाम के परम पूज्य श्री नितिन देव जी महाराज की रसमयी एवं ओजस्वी वाणी से शुरू है और रोज दोपहर 3 बजे से श्री हरि कथा वाचन कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। सनातन धर्म के प्रचारक विख्यात पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का अकोला में सनातन पर भव्य व्याख्यान माला का आयोजन सोमवार 25 दिसंबर को राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा मुंगीलाल बाजोरिया मैदान पर शाम 5 बजे किया गया है। सभी सनातनी भाइयों को इस व्याख्यान माला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचे ऐसा आह्वान मंच द्वारा किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के ग्राउंड पर भव्य कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन 27 दिसंबर को किया जाएगा। इस प्रदर्शनी की राज्य भर के किसान राह देखते हैं। इस प्रदर्शनी में 4 बड़े डोम के अंदर 400 से अधिक स्टॉल बनाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में किसानों को उत्कृष्ट जानकारी मिलेगी। अकोला के जिलाधिकारी अजीत कुम्भार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय नार्को ऑर्डिनेशन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नशीले पदार्थों की धुलाई बिक्री के उपयोग में प्रतिबंधित है, बावजूद इसके हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों को लेकर जनता में जनजागृति करे ऐसा आह्वान किया। बारशिटाकली रेलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर खराबी के चलते रेल प्रशासन ने मरम्मत करने का निर्णय लिया है, लिहाजा अकोला से मंगलूर पीर मार्ग पर बारशिटाकली रेलवे गेट क्रमांक 87 यह शनिवार की रात करीब 8 घंटे तक बंद रखा जाएगा। वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी जानकारी रेल प्रशासन की ओर से दी गई है। पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने शहर सहित जिले के ग्रामीण अंचलों से मवेशी चुराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकद 3 लाख रुपए के अलावा 4 चौपहिया तथा 3 मोटरसाइकिल एवं 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 20,99,500 रुपए आंकी गई है। असली नोट के बदले नकली नोट के मामले में रेलवे पुलिस कर्मचारी सुनील कडू को भी आरोपी बनाया गया है। न्यायालय में पेश किए जाने से उसे 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश हुआ। घटना के बाद से ही सुनील कडू को हिरासत में लेने के बाद उससे गहन पड़ताल की जा रही थी। स्थानीय श्री स्वामी समर्थ सेवा एवं आध्यात्मिक मार्ग डिंडोरी प्रणीत रामदास पेठ तिलक पार्क केंद्र में श्री दत्त जयंती उत्सव के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखंड नाम जप यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया है। दत्त जयंती सप्ताह का कार्यक्रम 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। राज्य के मूक बधिर वर्ग ने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अपने बीच सामूहिक सामंजस्य स्थापित किया है। मूक बधिर युवक युवतियों के आदान प्रदान, उनकी समस्याओं के समाधान, विवाह संबंध जोड़ने के लिए महानगर में पहली बार राज्य स्तरीय मूक बधिर युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 25 दिसंबर को किया गया है। संभाजी ब्रिगेड की ओर से जिला कलेक्टर और जिला परिषद अध्यक्ष को एक निवेदन दिया है। महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत जो कुओं का निर्माण किया जा रहा है उन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड शैली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।